तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सभी को कलर्स टीवी पर आने वाली सीरियल निम्मा डेंजोन गप्पा की कास्ट के रियल नेम और एज के बारे में बताने वाले हैं, जो कि शायद ही आप सभी जानते होंगे। और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि सीरियल में तुलिका का किरदार निभा रही हैं। इनका रियल नेम शर्मिला सिंधे है और इनका जन्म 5 अप्रैल 1987 में हुआ था, तो अभी इनके 34 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में आई का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम उषा नाइक है और इनका जन्म 1965 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 56 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में सुमन का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम श्वेता गौतम है और इनका जन्म 25 जुलाई 1975 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 46 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में सरला का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम चैत्रली रोड़े है और इनका जन्म 1988 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 33 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में सिया का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम अस्मी देव है और इनका जन्म 2016 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 5 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में मान्या का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम राव्या साधवानी है और इनका जन्म 2017 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 4 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में दिनेश का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम हेतल पुनीवाला है और इनका जन्म 13 फरवरी 1978 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 43 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में नीमा का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम सुरभि दास है और इनका जन्म 22 अगस्त 1998 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 23 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में सुरेश का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम अक्षय केलकर है और इनका जन्म 16 मार्च 1994 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 27 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में बबीता का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम एरिया सकरिया है और इनका जन्म 9 फरवरी 2017 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 4 साल है। और वहीं जो कि सीरियल में दादी का किरदार निभा रही हैं, उनका रियल नेम भैरवी वेद है और इनका जन्म 1967 में हुआ था, तो अभी इनकी उम्र 55 साल है। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।